कितने के? हाँ, 1,70,000। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं जी मवेशी मंडी, ज़रा चेक करने के लिए कि कैसे जानवर आए हुए हैं और क्या रेट चल रहा है। मैंने तो सुना हुआ था कि बहुत ही महंगे जानवर मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं मंडी पहुँची तो काफ़ी डाउन हुई हुई है मंडी ना, तो इतने को खास रेट मुझे ज़्यादा नहीं लगे क्योंकि पिछले साल जितने ही लगे हैं। अच्छा, हुआ ये था कि हम लोग सुबह सुबह निकले थे, हमें लगा कि शायद जो है वो रश कम होगा, लेकिन जैसे हम मंडी पर पहुँचे हैं तो जनाब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि रश कितना था। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੇ? ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ? ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 80,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਫਸ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈ। इन्हां दे भी मुख्तलिफ रेट है, मसलन किधर तो स्टार्ट होंदा है? लख स्टार्ट होंदा ऊपर नहीं जा रहा, लख तो उत्ते उत्ते, लख तो थल्ले नहीं। चोगे प्यारे लग रहे हैं, व्हाइट कलर है। ये किधर साइड दे है? राजन, राजन कॉल कुकड़ी राजन। अच्छा जी, जब हम लोग मंडी गए हैं ना, तो हम लोग देख रहे थे कि बस जो सामने सामने जो है ना वो बकरे और जानवर आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड पर अभी मंडी जो है ना वो बिल्कुल खाली थी, क्योंकि अभी ईद में कुछ दिन हैं तो ज़्यादा जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा जानवर नहीं थे। और जो जानवरों का रेट है वो जैसे जैसे ईद के दिन करीब आएँगे तो और मज़ीद जो है ना वो कम होता जाएगा रेट ना। तो ये चेक करें यहाँ पर अभी कितनी खाली है ये मंडी। तो अभी हम जा रहे हैं बड़े जानवर देखने के लिए, तो चलें जी आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। रश चेक कर रहे हैं ज़रा कितना ज़्यादा है। हमें लग रहा था कि इस टाइम रश नहीं होगा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। कितने के? 1,70,000। अभी भी गाड़ियों में से ना जानवर उतर रहे थे क्योंकि नए जानवर मंडी में आ रहे थे। ये चेक कर रहे हैं। बहुत ही बुरे तरीके से हम लोग फंस गए थे क्योंकि इर्द गिर्द हर तरफ जो है जानवर ही जानवर थे और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था, और हम लोग बाइक पे थे। शुक्र किया हम लोगों ने जब हम रश से निकले, इतना कोई शदीद रश था। हमें लगा था कि सुबह में शायद रश नहीं होगा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, रश बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। चलिए जी, अब आपको बहुत ही खूबसूरत जानवर दिखाने वाली हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आप इनका बाड़ा चेक करें, कितना खूबसूरत है और कितना मतलब प्यारा लग रहा था। और वाकई लग रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है, क्योंकि जिस तरह से इनको रखा गया है उसी से पता चलता है कि ये बहुत ही खूबसूरत, नायाब और बहुत महंगे जानवर होंगे। तो जनाब वाकई वही बात हुई, इनके जो जानवर हैं ना वो स्टार्ट हो रहे हैं तकरीबन 10,00,000 से।
तो और हैं भी बहुत खूबसूरत, देखें ज़रा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब आप लोगों को मैं जानवर भी दिखा देती हूँ, ये चेक करें कितने खूबसूरत हैं। एक एक जानवर को ना इन्होंने जिस तरह से सजाया हुआ है और जिस तरह से रखा हुआ है, इनका ख्याल जैसे रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बताती हैं कि बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और महंगे जानवर हैं, ये चेक करें। और मुझे, मैंने पूरी मंडी देखी है, मुझे इनसे खूबसूरत जानवर जो है ना वो कोई नहीं लग रहा था। अच्छा, ये दूसरी साइड पर भी ना मंडी थी, लेकिन हम लोग बस यहीं तक आए क्योंकि अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कहीं और जाऊं और वहां जाके हम लोग फंस जाएं। तो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत सारे जानवर नए जो है ना वो आ रहे थे। ये देखें, ये ऊंट है, इनके मालिक से हम लोगों ने बात की कि आप लोगों ने अभी तक जो है ना वो इनको मंडी के अंदर शिफ्ट क्यों नहीं किया, तो वो यही कह रहे थे कि हम लोगों को ना यहाँ पर एंटर नहीं होने दे रहे, कुछ ख़ास वजह थी उनकी। बस जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जो है वो एक विज़िट कर लिया है, मंडी का रेट भी हम लोगों को पता चल चुका है, और अब जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेने जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और ये भी पता चल गया है कहाँ से अच्छे जानवर मिल रहे हैं। तो चलें जी, पार्ट टू में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा जानवर हम लोगों ने ख़रीदा और कितने में ख़रीदा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।